Good morning, all the little ones. How are you all this morning? I hope you and your family are safe and sound. This is Indu Gupta, and today, kids, we are going to learn about some important body parts like arm, hands, fingers, elbow, and wrist. Okay? Today, we will learn about the parts of arms only. Okay, full body में तो बहुत सारे parts होते हैं, right? हम एक class में नहीं उनको cover कर सकते हैं. So today हम सिर्फ arms के जो parts होते हैं, उनको study करेंगे, उनको उनके बारे में सीखेंगे आज. So this is our arm. Okay, arm. This is arm. ये जो full यहाँ से shoulder से लेकर fingers तक होती है, this is our आर्म. ये हमारी आर्म है. एंड आर्म के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? नंबर वन, एल्बो. दिस इज पॉइंटेड पार्ट होता है, जो इसको बेंड करो किड्स, बेंड योर एल्बो, दिस इज एल्बो. ओके, एंड दिस इज रिस्ट. ओके, रिपीट विद मी, दिस इज रिस्ट. And this is our hand. And these are fingers. How many fingers do you have? 1, 2, 3, 4, 5. You have 5 fingers in one hand. One hand ki 5 fingers hoti hai. And hamare kitne hands hote hai? How many hands do you have? You have 2 hands. So 5 + 5 हमारी टोटल 10 फिंगर्स हो जाती हैं. ओके, नाउ टेल मी व्हाट वी डू विद आवर हैंड्स. जैसे कि हमारी बॉडी के इतने सारे पार्ट्स होते हैं, हर बॉडी पार्ट का अपना एक डिफरेंट रोल होता है. ओके, हैंड्स का अपना वर्क होता है, फिंगर्स का अपना वर्क होता है, एंड आर्म्स का अपना वर्क होता है. Now, kids, raise your hand. आपको अपने hands up करने हैं, okay? Like this. So, which part of your body you are raising? आपने अपनी body का कौन सा part raise किया है? Arms, hands, okay? Now, wiggle your fingers and tell me which part of your body you are wiggling. Fingers. Say again. Fingers. These are fingers. We do a lot of work with our fingers. Without fingers, we can't do nothing. हम अपनी fingers के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं. All right. So now bend your arm like this. And these are elbows. So, which part of your body you are bending? Arms. You are bending arms. Now, kids, let us see what we do with our fingers. Only fingers, not hand. Hand में पूरा आ जाता है. हम इनकी बातें कर रहे हैं. Okay? These are fingers. See, जब हम notebook में write करते हैं, writing work करते हैं, we use our fingers. हम fingers के through writing work करते हैं. See, pencil hold किससे किया हुआ है? Finger से. You hold your pencil with your fingers and you write in your notebook with your fingers. Now see, look here kids. These are fingers. See this picture. He is playing flute. So flute play करते वक्त this man अपनी fingers को use कर रहा है. Suppose this is flute and हमने इसको fingers से hold किया हुआ है. पूरे hand से ऐसे तो नहीं ना, only fingers का use है इसमें. Okay? But हम mouth से play करेंगे. Hold तो हमने fingers से ही किया हुआ है ना. All right? Now see this. These are blocks
एंड इनसे हम काउंटिंग भी सीखते हैं एंड ये फाइन मोटर स्किल्स के लिए भी बेस्ट है। तो हम इसको भी फिंगर से ही करते हैं। लाइक हमें यहाँ पर नंबर वन है तो उसमें वन ब्लॉक पुट करना है। ओके यहाँ पर हमें टू ब्लॉक्स को फिक्स करना है। टू यहाँ पर ऑलरेडी वन है, टू थ्री यहाँ पर कितना आएगा फोर, ऑलरेडी टू है थ्री फोर। तो ये भी हमने किससे किया, फिंगर से। ओके तो फिंगर्स आर वेरी यूजफुल पार्ट ऑफ आर बॉडी। ओके नाउ सी दिस सीजर, इसमें पूरे हैंड का यूज होता है। सी ओके वी कट द पेपर विथ द हेल्प ऑफ आर हैंड। ओके Now see these blocks. अगर हमें पिरामिड बनाना है तो भी हम अपनी फिंगर्स का यूज करेंगे। Fine? See. हमें पिरामिड बनाना है, हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाते हैं ना ऐसे। वाओ हमने फिंगर्स के थ्रू पिरामिड रेडी कर लिया। Now see. This is a girl. गर्ल नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ हैंड्स दिख पा रहे हैं। ओके सो शी इज कटिंग द क्लॉथ, जैसे मैम ने भी पेपर कट किया था ना हैंड से, शी इज कटिंग द क्लॉथ। इसमें भी हैंड्स का यूज होता है। ओके एंड यहाँ पर देखिए हैंड वॉश करते हुए है, जब हम हैंड वॉश करते हैं वी यूज आवर बोथ हैंड्स। ओके हैंड वॉश करने के लिए हम पाम का भी यूज करते हैं, फिंगर्स का भी एंड हैंड्स का भी यूज करते हैं। और क्या क्या करते हैं हम अपने हैंड से, वी राइट, वी ईट आवर फूड, यस वी कट द पेपर एंड फिंगर से वी प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत सारी चीजें हम जो भी करते हैं अपने हैंड्स एंड फिंगर से करते हैं। ओके डांस करते हैं तो भी फिंगर का हैंड्स का आर्म्स का फुल यूज होता है। सो किड्स टुडे यू लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्ट ऑफ आर आर्म। फिर से मैम आपको रिपीट करा देती है आर्म के कितने पार्ट्स होते हैं। दिस इज एल्बो, दिस इज रिस्ट, वी वेयर बैंगल्स एंड रिस्ट वॉच हियर। ओके हम जो हमारी रिस्ट है वहां पर हम वेयर करते हैं बैंगल्स ब्रेसलेट्स। ओके एंड दिस इज आवर हैंड। ओके दिस इज कॉल्ड फिस्ट। ओके दीज आर फिंगर्स, फाइव फिंगर्स। जब हम बाय करते हैं तो भी हम हैंड से करते हैं एंड फिंगर से, राइट। सो आई होप किड्स यू एंजॉयड दिस क्लास सो मच। Now class is over. Bye. Take care. Stay happy and healthy.